अरे रोको, इस 3.5 रुपए के मिथुन को धूला उतर गया वहां घोड़ी से, कह रहा है पिशाचों का नाच बंद कराओ पहले। हाय गाइस, मैं शांतनु और लास्ट वीडियो में ना मेरी गर्दन शेमिंग हुई है, नेक शेमिंग करी है मेरी, मेरे को हर्टेड करा है इन्होंने। एक लड़के ने कमेंट करा है, भाई थोड़ी सी क्रीम नेक पर भी लगा करो। और ये ऑनेस्टली से तो गाइस, इस हफ्ते आया MDBC यानी मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ बुक लंडी कंटेंट के पास कुछ ऐसा कंटेंट जिसको देखा नहीं जाता, इसको सहा जाता है। और इसको सहने के बाद एक पूरा दिन आई एम ओनली फीलिंग अ पेन इन द ईसोफेगस ऑफ द फंडस ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर इन द गैस्ट्रोफेगल जंक्शन एवरीथिंग ब्लॉक स्टॉप नॉट वर्किंग डेट। तो जब टिकटॉक बैन हुआ था, दिल को एक तसल्ली सी आई थी, एक ठंडक सी पड़ी थी कलेजे में कि भैया प्रचंड और मायावी राक्षस डिमरी के पालतू ततैयों का जहरीला छत्ता अब साफ हो चुका है। बट नहीं, इतनी जल्दी टिकटॉकी ततैये हार नहीं मानते और इन टिकटॉकी ततैयों ने अपना नया छत्ता डाल लिया है YouTube शॉर्ट्स पे। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप चाहिए। और इन्हीं खरबूजों में लगे कीड़े जैसे शॉर्ट्स के कारण YouTube का पूरा ट्रेंडिंग सेक्शन कनॉट प्लेस की गुटखे की पीको से भरी दीवार जैसा हो गया है। तो आर्यन खान के किस्मत जैसी ये खराब रीलों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर -50 डिग्री में एक प्रेग्नेंट लड़की फंस जाए तो क्या होगा। प्रेग्नेंट वुमन जंगल में अकेली फंस जाए तो क्या हो सकता है। माइकल जैक्सन गोरे से काला क्यों हुआ। माइकल जैक्सन ने अपने मुंह पर कौन सा ऐसा पाउडर या क्रीम लगाई कि वो कालू राम से भग भग गोरे अंग्रेज हो गए। ही लिटरली कॉल्ड माइकल जैक्सन अब कालू राम और वो कैसे जमा गोरे हो गए। और क्या गुदगुदी करने से जान जा सकती है, जिसमें ऑफ कोर्स लड़की के हाथ ऊपर है और सब लड़की को ही गुदगुदी कर रहे हैं। आपने हंसी मजाक के लिए एक दूसरे के बहुत बार गुलगुली की होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर तुम्हें लग रहा है ना इन शॉट्स में आंख में टियर नहीं है एंड हार्ट में पैन नहीं है, तो मैं बता दूं तुम्हें चॉकलेट से क्या होगा। आपके मम्मी पापा को बोलो कि आपके लिए केक लाए। मेरे मम्मी पापा नहीं, माँ की पता नहीं क्या क्या है यार। तो ये वीडियो देखने और तुम्हें दिखाने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ इत्तला कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पिछले 3 दिन से YouTube पे ट्रेंड हो रही है। तो इस इमोशनल पैन इन हार्ट शॉट का नाम है दोस्ती पैसे से नहीं दिल से करना चाहिए। मैंने करी थी मैंने दिल देख के दोस्ती, फिर तुम्हें पता है क्या हुआ था, बीफ हो गया था। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। अरे हाँ, आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, तू भी आना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऊंची पैंट वाला लड़का निकल रहा है किसी रैंडम रेस्टोरेंट की हॉलवे में से और पीछे से एक रैंडम लड़का खड़ा होकर उसको बोलता है हैप्पी बर्थडे भाई। वो उसको पता, एनीवे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही उम्दा है। द पार्टी इज ऑन यार, पर्सनल में पार्टी दे देता, ना जाने कैसे कैसे लोग के साथ बुला लेता मुझे। द हार्ट, द पेन, ओह ऐसे बोल दिया यार, आगे क्या होगा। आई एम नॉट रेट भाई, आप लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। यार मजा आ गया, चल मेरा टाइम हो गया। बेचारे को ऐसे पिज्जा खाते हुए उठा दिया, उसको पिज्जा खाना था यार, तो उसने पूरा 50 रुपए में 3 वाला पिज्जा लिया था यार। यार मैं तो पैसे घर पे भूल गया। ओह, ऊंची पैंट वाला लड़का हैज फॉरगॉट मनी होम, व्हाट इज हैपन नाउ। सर आप इन्हें जाने दे। ओह माय गॉड, लॉर्ड लोडू शुभम रिटर्न्स। और शुभम कहता है अगर ये बिल पे नहीं करेंगे तो आप मेरे पेमेंट्स इनका बिल कट कर लेना, ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट अ टच इन द हार्ट इज द फील ऑफ द टियर इन माय आई। तो बेसिकली ऊंची पैंट वाला उसको पार्टी पे बुलाता है, ऊंची पैंट वाले का बुखलंडी दोस्त उसको कहता है तू छोटे लोगों के साथ मेरे को मत बिठाया कर। वो चला जाता है शुभम वहां से, शुभम वापस आता है और फिर कहता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सैलरी में से पैसे कटवा लूंगा। चप्पल का है मेरी पैंट, असली घुटने ही कटोरिया तो तुम्हारी तब चटक जाएंगी जब तुम्हें पता लगेगा इस वीडियो पे 17 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। मेरे तो सिर्फ चैनल व्यूज ही 17 मिलियन है। फिर लॉर्ड शुभम आगे बढ़ते हैं और हमें बताते हैं अपनी एक वीडियो से जिसपे पूरे के पूरे हैं 25 मिलियन व्यूज और कुछ हफ्ते पहले ये भी ट्रेंड कर रही थी रील्स में कि भले इंसान बनो बड़े इंसान नहीं। भाई ये एड्रेस का है, इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? आगे से राइट। थैंक यू। हाय सर। हाय हाय हाय, मैंने आपका रिज्यूम देखा। रिज्यूम देख चुका है वो, अब क्या होगा, क्या शोभुम को मिलेगी नौकरी? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको ये जॉब पाने के लिए 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए, इतने पैसे होते इसके पास तो ये ऐसी शॉर्ट वीडियो बना रहा होता यूट्यूब पे। पैसे नहीं हो तो आप जा सकते हैं। यार व्हाई यू मेक मी क्राई अगेन यार।
लॉर्ड शुभम प्लीज यार गिव हिम नौकरी यार। क्या हुआ भाई? अगेन रैंडम स्ट्रेंजर विल आस्क हिम कि क्या हुआ भाई। आज के जमाने में डिग्री की नहीं पैसों की वैल्यू है। आज के जमाने में डिग्री की नहीं पैसों की वैल्यू है, लेकिन मेरी मानो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और एमिटी वालों से पूछ लो, डिग्री की भी वैल्यू नहीं है उनकी। तो भाई इस जॉब में कुछ नहीं रखा है, एक काम कर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। खुद का बिजनेस स्टार्ट कर अब ये बताएगा बेंच और 150 रुपए का बिल गेट्स। सर आपका ऑर्डर। ओह माय गॉड, अब लॉर्ड शोभम और वही रिश्वत खोर वाला नौकरी वाला दे टकराव अगेन। सॉरी सर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये हुई ना हार्ट टचिंग बात, पता नहीं क्यों नहीं लेगा, अभी पता लगेगा। ये आपके रिश्वत के पैसे। अब इसको क्योंकि बिकॉज हिज नेम इज लॉर्ड शोभम तो इनको पता लग जाता है कि गांड में रडार लगा हुआ है कि उन्होंने ये रिश्वत लेके ही पैसे कमाए होंगे। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे दे। ये इसी चक्कर में जो इसको भी 150 रुपए के बिल गेट्स ने बोला था अपना धंधा खोल ले, ऐसे धंधा डुबा देगा जब तक ये लोगों के पैसे नहीं लेगा अपने ब्रेड बटर के। एंड द सेम ओल्ड एंडिंग। वीडियो खत्म, शॉर्ट बन गए, 25 मिलियन व्यूज आ गए। 10 मिनट की वीडियो क्यों बनानी है, एडिट पे क्यों टाइम खर्चना है, वर्टिकल वीडियो बनाओ, डालो, खत्म करो यार, कौन पूछ रहा है लंबी वीडियोस को। इसके शॉर्ट तो शॉर्ट, इसके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं वो पढ़ने के बाद मेरे टट्टे शॉर्ट हो गए। वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु सपोर्ट दिस विल बी बिली वन, बिली वन डे, गॉड ब्लेस यू, दिल दिल दिल, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टोरी। काश हर लड़की और लड़के को अल्लाह ऐसा लड़का और लड़की मिले। इमोजी, वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, वी वी वी, टूरू टू ट्रू लव, दिल में से क्यूपिड वाला इमोजी, कम टूरुथ ट्रूथ, ऑसम, आप सभी का वीडियो दिल में लगते हैं, आप बहुत इची वीडियोस बनाते हो। इची वीडियोस, इची वीडियोस बनाते हो, काफी इची हो गई है, काफी इची हो गई है वीडियो देखने के। तो भाई अब मैंने कम से कम 15-20 ये वाले जानलेवा जहरीले शॉर्ट्स देख लिए थे और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टाइम हो चुका है कि एक खत लिख के YouTube को समझाया जाए कि ये जहरीला रू अफजा परोसना बंद करा जाए। एंड देन व्हाट इज द टाइम इट इज, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, वो तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें YouTube, क्योंकि मेरी दुकान भी YouTube पर ही है। ज्यादा गांड में खारिश करूंगा तो टट्टी तो मेरी उंगली पर ही लगेगी। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, YouTube बंद करवा दो ये वन मानुष के संभोग जैसे शॉर्ट्स। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को गोड़ी बना रखा है शॉर्ट्स ने, क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं दिनों दिन लगाकर और ये 40 सेकंड के छपरी शॉर्ट्स 25-25 मिलियन व्यू ले जाते हैं दो दिन में। जीरो एडिट, जीरो आइडिएशन, जीरो एग्जीक्यूशन, बट फुल पावर छपरी। क्या करें हम भी यही वीडियो बनाने लग जाएं कि क्या खारिश करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्लीज यार कुछ करो इन जानलेवा शॉर्ट्स का। Of course, yours till the time algorithm is with me or us Indian YouTubers. And gents and women, अगर तुम्हारे को लगता है that you know what is a love, then let me tell you my best friend, you are not know what is love. Let Lord Shobhum tell you what is a love. Video name Sachi Mohabbat Emoji Heart. I love you. लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं, ऐसे कैसे मैं आपको हाँ बोल दूं? तुम्हें लगता है शोभम सोच रहा होगा कि तुम उसे जानती नहीं हो, वो तो ऐसी वीडियो ही ऐसी शुरू कर देता, कहीं से भी कोई जा रहा होता, किसी को पकड़ लिया, किसी का नाड़ा खींच दिया, किसी की धोती कर दी नीचे, बस तो आगे पीछे थोड़ी चाहिए होता उसको। कुछ जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मुझे शाम को आप यही मिलो। वो भी कह रही है अभी शाम को ही आके मैं तेरा रिप्लाई करती हूँ, रुक जाता। Oh my God, Lord Shobhum with his best testicle. He's like, अबे यार अब क्या करूँ मैं, इतनी देर से तो वो आई नहीं। यार कब तक वेट करेगा तू उसका? नहीं आएगी वो यार। यार मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी। ठीक है तू इंतजार कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओह बहन चो, वो चला गया, अब क्या होगा? Lord Shobhum is heart is says कि she would come is। तू इंतजार कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार तू पिछले एक महीने से उसका इंतजार कर रहा है, वो नहीं आएगी, तू उसे भूल जा। नहीं यार मेरा दिल कहता है। ये दिल ना, दिल ही कहता है, मेरा दिल एक दिन कहता है कि ये जहाँ मिल गया ना इसे तो मैं इसकी गुद्दी नापूंगा। ओह माय गॉड, नाउ द गर्ल शी इज नाउ, उसके कूले चटक गए हैं क्योंकि उसने लॉर्ड शुभम की वीडियो देख ली, शॉर्ट देख लिया, घर जाके अब वो व्हील चेयर पे उसका भाई उसको घसीटता हुआ ला रहा है, वो कह रही है कि बहन के लोड़े क्या बना रहा है ये, तेरे मैंने दो वीडियो देखी तेरी, मेरे कूले चटक गए, चलना बंद हो गया, लव को अपनी गाड़ी में ले ले, बंद कर वीडियो। और गाइस अगर आप सोच रहे कि लॉर्ड शोभम इतनी हार्ट को टचिंग और लिवर में पत्थरी करा देने वाली वीडियो शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन है जो चैनल की, वहां पे सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हाय आई एम गोगो एन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स,
और फिर कैप्स में बड़ा बड़ा लिखा हुआ इन योर फेस वी आर बिकॉज यू आर नो लॉर्ड शोबुम यहाँ पे होना चाहिए वी विल बी नो मोर बिकॉज ऑफ द वीडियोस यू मेक फिर लिखा है शो लव सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ल्ड समझ रहे हो ना वर्ल्ड को ही बिछा दो मैप लगा के बिछा दो उसको एकदम Now honestly saying guys, I don't have a problem with these shorts. हर किसी का अपना तरीका होता है content बनाने का But YouTube जो एक long form content के लिए platform है जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया creators long form videos बनाते हैं And it pains to see कि इतनी low effort, low execution, in fact poorly executed videos दिनों दिन तक ट्रेंड करती हैं और 30-40 मिलियन व्यूज लेके जाती हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है थोड़े दिन पहले जब डिंडोरा का जो भुवन बाम का नया वेब सीरीज आया यूट्यूब पर उसका जो पहला एपिसोड आया था वो पुश डाउन हो गया था सेकंड या थर्ड नंबर पे ट्रेंडिंग पे एंड इट वॉज एस्टॉनिशिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि डिंडोरा जिसमें इतना हाई एफर्ट लगाया गया प्रोडक्शन वैल्यू देखो यार उसकी इतना बढ़िया है उसके अंदर कॉन्टेंट इट स्पेसिफिकली नॉट ओनली इन भुवन्स केस बट और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज आती है और वो पुश हो जाती है जब आप जाके देखोगे कि पहले टॉप 2 या टॉप 3 या टॉप 4 तो शॉर्ट्स चल रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है लेना देना नहीं है और हाँ सारे शॉर्ट्स बुरे नहीं होते कभी कभार कुछ शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं आपको एक मिनट में काफी अच्छी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे जाते हैं बट अगेन वो बहुत रेयरली ट्रेंड करते हैं इनफैक्ट मैंने आज तक कोई भी क्रेडिबल या अच्छा शॉर्ट ट्रेंड करते हुए देखा ही नहीं है एंड दैट्स द सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग द वर्स्ट ट्रेंड जस्ट लाइक द वर्स्ट टिकटॉक्स वर द मोस्ट पॉपुलर द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स जो टॉप 10 में ट्रेंड करेंगे वो हमेशा वाहियात ही होंगे क्योंकि उनको देखने वाली जनता बहुत सारी है एंड दैट्स वाई दे गेट ऑन टॉप ऑफ ट्रेंडिंग बट देन अगेन अगर आपको जाके देखने जाके देख लो तुम अवॉइड तो कर नहीं सकते अगर तुम ट्रेंडिंग का टैब खोलोगे तो तुम्हारे मुंह पे छपाक से पेशाब की तरह ये लगेंगे अगर ये नहीं देखना है तो इस हफ्ते ये 5 रिकमेंडेशंस देख ले टब्बर द एंडलेस पेंडोरम एनहाइलेशन ट्रोल हंटर तो गाइस ये था मेरा इस हफ्ते का यूट्यूब शॉर्ट्स का रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक इमोजी में बात करने लग गए हैं यार ये टाइटल में इमोजी डाल देते हैं